नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। रेप इन इंडिया, ये तीन शब्द सुनकर क्या आपको, आपके दिल दिमाग में कोई उथल पुथल मची? क्या आपको गुस्सा आया? क्या आपको ये तीन शब्द सुनकर ऐसा लगा कि देश भर की महिलाओं का अपमान हो गया? क्या आपको लगा कि रेप इन इंडिया कहना लोगों को भारत में रेप का निमंत्रण देना है? आपको ऐसा लगा हो या न लगा हो, लेकिन बीजेपी को ऐसा लगा। दरअसल गुरुवार को झारखंड की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार के मेक इन इंडिया वाले नारे से तुकबंदी करते हुए रेप इन इंडिया का नारा लगा दिया और इस नारे के बैकग्राउंड में रेप की घटनाओं का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर हमला कर दिया, जिसका असर आज संसद में दिखाई दिया, जहां देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अगुवाई में बीजेपी की महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर स्मृति ईरानी की भावनाएं आहत हुई। वो राहुल गांधी को संसद से बर्खास्त करने की मांग कर रही है। आप भी देखिए, बीजेपी ने आज राहुल गांधी के इस रेप इन इंडिया वाले नारे की पर क्या कहा है। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देखता है और कहता है बलात्कार का कैपिटल बन गया हिंदुस्तान। यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। मैं बात करता हूँ माफी मांगने की। मैं इनसे माफी कभी नहीं मांगने वाला हूँ। आपको माफी मांगना पड़ेगा। आपका कांग्रेस का इतिहास में पहली बार हुआ है। हैदराबाद रेप कांड में संसद के अंदर खड़े होकर बयान देने से परहेज रखने वाली देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का चेहरा आज गुस्से से तमतमा रहा था और मेक इन इंडिया की तर्ज पर रेप इन इंडिया का बयान देने वाले राहुल गांधी उनके सीधे निशाने पर थे। एक पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद है, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? संसद में अपनी महिला सांसद साथियों से घिरी स्मृति ईरानी पूरे देश की महिलाओं से आह्वान कर रही थी कि वो राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दें, लेकिन आखिर इस बार राहुल गांधी के मुंह से ऐसा क्या निकल गया कि स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के महिला सांसदों का पारा इतना चढ़ गया कि संसद का नजारा जंतर मंतर जैसा हो गया। ये आप राहुल गांधी के ही मुंह से सुन लीजिए। देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना, अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया जहां भी देखो, अखबार खोलो, झारखंड में महिला पर बलात्कार, उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया, उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। गुरुवार को राहुल गांधी झारखंड के मेहराना में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मेक इन इंडिया और रेप इन इंडिया की तुलना कर रहे थे और खूब तालियां बटोर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि स्मृति ईरानी उनके इस बयान से इतनी खफा हो जाएंगी कि स्पीकर ओम बिरला को राहुल गांधी को दंडित करने का चैलेंज दे देंगी। देश की महिलाओं के लिए एक गांधी खानदान के सांसद ने आह्वान किया महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, क्या आप उनको दंडित करेंगे? आज मैं आपसे देश के परिवारों नहीं है।
स्मृति ईरानी की अगुवाई में बीजेपी के महिला सांसद एक सुर में राहुल गांधी को लानत भेज रही थी। स्मृति ईरानी के बाद चिरपरिचित साध्वी प्रज्ञा ने संसद में राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ था। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान की जो विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की, उसमें अपने अपने विचार जोड़े जाते रहे। राहुल गांधी के खिलाफ संसद में महिला शक्ति प्रदर्शन जारी था, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ता देख बीजेपी के पुरुष सांसदों का जोश भी उफान मारने लगा। बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने तो राहुल गांधी पर देश को चाणक्य की नीति का पाठ तक पढ़ा दिया। जिस तरह से उन्होंने इस पूरे देश को शर्मिंदा किया है, उसके लिए जितने भी उनकी निंदा की जाएगा, उस देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो, उसका पुत्र इस तरह का बात करता है। बीजेपी सांसदों ने चाणक्य के बहाने राहुल गांधी पर अपनी जो राय प्रकट की, वो भी वैसे विवादास्पद टिप्पणी श्रेणी में ही आती है, लेकिन इसको छोड़ते हैं और मुद्दे पर लौटते हैं। जब संसद में कांग्रेस की तरफ से किसी ने राहुल गांधी के बयान का बचाव करना उचित नहीं समझा, तब राहुल के समर्थन में उतरने वाली इकलौती सांसद थी डीएमके की कनिमोझी। Things to be made in India and in India to become a very flourishing economy. But then what is happening in this country? That is what Mr. Rahul Gandhi, the Honorable MP, intended it. वैसे सोचने वाली बात तो ये भी है कि स्मृति ईरानी के नेतृत्व में बीजेपी की महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ जैसी मोर्चाबंदी की, वो बहुत सोच समझ कर ही की होगी, लेकिन संसद में राहुल गांधी सिर्फ मुस्कुराते रहे और संसद से निकलकर ये बोले। मेरे फोन पे अभी एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को रेप कैपिटल कहला रहे हैं, उसको मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, पूरा देश उसको देख सकता है। इधर राहुल गांधी ने कहा और उधर कांग्रेस के नेताओं में पीएम मोदी के उस पुराने बयान की क्लिपिंग ट्विटर पर अपलोड करने की होड़ सी मच गई, जिसमें नरेंद्र मोदी यूपीए के शासनकाल में रेप की बढ़ती घटनाओं पर रोष प्रकट करते हुए सुने गए। दिल्ली को जिस प्रकार से रेप कैपिटल बना दिया है और उसके कारण पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती हो रही है, और आपके पास मां बहनों की सुरक्षा के लिए न कोई योजना है, न आप में कोई दम है, न आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के इस बयान को सोशल मीडिया पर फैलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस पहले पीएम मोदी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, और रही बात रेप इन इंडिया वाले बयान की, तो राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने रोजगार क्यों छीना? अब मैं बात करता हूँ माफी मांगने की। आज तक ब्यूरो, मैं इनसे माफी कभी नहीं मांगने वाला। इस पूरे मामले को लेकर दो तरह की बातें उठ रही हैं। अव्वल ये कि सिर्फ तुकबंदी के लिए, सिर्फ एक नारा बनाने के लिए क्या मेक इन इंडिया की जगह रेप इन इंडिया बोलना एक इतने गंभीर मुद्दे पर सही था? क्या ये संवेदनहीनता नहीं थी? इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जिस तरह से हंगामा इतने गंभीर मुद्दे पर अभी हो रहा है, वो हैदराबाद कांड के बाद सुनाई नहीं दिया था। और दूसरा ये कि इस राजनीतिक बहस की जगह क्या ये बेहतर नहीं होता कि कानून को कड़ा बनाने को लेकर कुछ गंभीर चर्चा की जाती? उनके आईक्यू को लेके भी सवाल उठते हैं। मेक इन इंडिया और रेप इन इंडिया की बात करें तो पता होता है कि आपको एक सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है अपने आप को सिर्फ आकर्षित करने के लिए। रेप किसका? रेप हमारी बेटी की, हमारी बहन की, हमारी बहुएं का। रेप इन इंडिया का क्या मतलब होता है? आज देश की महिलाओं में आक्रोश है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, कम रेप इन इंडिया का उनका इन्विटेशन, उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान के परिवारों को दे। संसद के अंदर और संसद के बाहर भी बीजेपी के नेता राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान की व्याख्या कर रहे थे और इसे रेप का आमंत्रण बता रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आखिर राहुल गांधी को ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि राहुल गांधी ने झारखंड में दिए गए अपने बयान की उदाहरण सहित व्याख्या की थी। झारखंड में महिला पर बलात्कार, उत्तर प्रदेश में देखो
नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। जिस तरह रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। फिर चाहे हैदराबाद की दिशा के साथ हुई दरिंदगी हो या उन्नाव के रेप पीड़िता को जिंदा जलाकर मार देना, राहुल गांधी इन्हीं घटनाओं के आधार पर रेप इन इंडिया का बयान दे रहे थे, जिन्होंने आज अपनी सफाई में एक बार फिर यही बयान दोहरा दिया। मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा। हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है, महिला का रेप, स्टील, बीजेपी के एमएलए लड़की की गाड़ी पर एक्सीडेंट करवाया गया। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। वैसे राहुल गांधी चाहते तो अपने गुस्से का इजहार करने के लिए कोई और क्रिएटिव लाइन भी सोच सकते थे। वैसे ये रेप इन इंडिया वाली लाइन भी राहुल गांधी का यूनिक आइडिया नहीं था। 10 दिसंबर को कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पहली बार ये लाइन बोली थी, वो भी संसद में। हिंदुस्तान की मेक इन इंडिया की जगह धीरे धीरे रेप इन इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी के लिए अधीर रंजन चौधरी इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी को बीजेपी बहुत सीरियसली लेती है। इसलिए जब उन्होंने अधीर रंजन चौधरी की लाइनें चुरा कर झारखंड में बोल दी, तब जाकर बीजेपी को लगा कि ये तो देश की महिलाओं का अपमान हो गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो राहुल गांधी के कहे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी के कई नेता हैं जो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर भी सकते हैं और कर भी चुके हैं। खुद राजनाथ सिंह ने सदन में उनमें से कुछ के नाम गिनाए। यह जो तर्क दिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि इसके पहले भी हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने कुछ अपशब्दों का प्रयोग बाहर किया था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इस सदन में हम लोगों ने स्वयं अपने जिन सदस्यों को जिन्होंने थोड़ा इधर उधर का शब्द प्रयोग किया था उनको बुलाकर यहां पर खेद व्यक्त कराया है कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता के द्वारा भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्यों नहीं उसे सदन में आना चाहिए और पूरे सदन से ही केवल माफी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी का हर मंत्री हर नेता राहुल गांधी से माफी की आस लगाए बैठा है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि माफी मांगने की बजाय बीजेपी पर ही लोगों का ध्यान देश के असल मुद्दों से भटकाने का लांछन लगा रहे हैं। मेन मुद्दा आज, अरे यार स्वामी साहब का मोबाइल, और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट को जलाया है, मेन मुद्दा वो है। अब ध्यान उस मुद्दे से हटाने के लिए, अरे भाई दाढ़ी, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी मेरे ऊपर ये बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हिंसा का प्रयोग करते हैं, हिंसा फैलाने वाले, हट जाओ यार, और आज पूरे हिंदुस्तान में हिंसा है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इकोनॉमी। आज रघुराम राजन जी मेरे से मिले और उन्होंने मुझे कहा कि हिंदुस्तान की बात ही नहीं हो रही है और जब बात होती है इकोनॉमी की बात नहीं होती, अत्याचार। अरे यार पूरा उड़ा दिया, मैं इनसे माफी कभी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी का ये बयान दरअसल राजनीति के नए ट्रेंड का साइड इफेक्ट है, जिसमें नेता अपने बयानों को चर्चा में लाने के लिए तुकबंदी भिड़ाते हैं। राहुल गांधी को लगा होगा कि घिसे पिटे शब्दों में रेप की निंदा करने से उसकी चर्चा नहीं होगी। एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। शायद राहुल गांधी ने भी इस कहावत को आत्मसात कर लिया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। जिस देश में हर 15 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, जिस देश में महिलाओं को बलात्कार के बाद जिंदा जला देने जैसी विभत्स घटनाएं होती हैं, जिस देश में रेप के बाद महिलाओं को जान से मार दिया जाता है, जिस देश में निर्भया कांड के 7 साल बाद भी इंसाफ नहीं हो पाता है, उस देश में बयानों की ऐसी राजनीति वाकई बहुत परेशान करती है। वैसे हम आपको बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR की ताजा रिपोर्ट ऐसे मामलों के लिए क्या कहती है, कुछ तथ्य हैं उस पर जरा गौर कीजिए। ये बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ
अपराध के आरोपी लोकसभा सांसदों की संख्या 2009 में 2 थी, जो 2019 में बढ़कर 19 हो गई है। लोकसभा में 3 सांसद ऐसे हैं जो बलात्कार के आरोपी हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में आरोपी सबसे अधिक 21 सांसद बीजेपी के हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है, उसके 52 ही सांसद हैं, लेकिन 16 सांसदों के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस चल रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 7 ऐसे सांसदों के साथ तीसरे नंबर पर है। इसका तो यही मतलब निकलता है कि पार्टी चाहे जो भी हो, टिकट देते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपियों के दाग नहीं देखती, सिर्फ ये देखती है कि वो उम्मीदवार जीत सकता है या नहीं। एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 5 सालों में राजनीतिक दलों ने 41 उम्मीदवारों को टिकट दिया था जिन्होंने बलात्कार से संबंधित मामले घोषित किए थे। 2014 के मुकाबले 2019 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपी उम्मीदवारों की संख्या 38 से बढ़कर 126 हो गई। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में आरोपी 66 उम्मीदवारों को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। कांग्रेस ने 46 ऐसे उम्मीदवारों को, बीएसपी ने 40 ऐसे उम्मीदवार उतारे। एडीआर ने इन स्टडी को तैयार करने के लिए वर्तमान 759 सांसदों और 4063 विधायकों के 4822 चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया, जिसका सार आपने जान लिया। अब आपको महिलाओं के प्रति हमारे देश के कुछ माननीय नेताओं के विचार सुनाते हैं। सुनिएगा और सोचिएगा, राहुल गांधी का रेप इन इंडिया वाला बयान इस सब में एक कड़ी नजर आता है या फिर कुछ और? हमारा देश जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बंबई। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। मीनाक्षी नटराजन जी आपकी लोकसभा की सदस्य, गांधीवादी है, सरल है, ईमानदार है। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूँ राजनीति के। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टच माल है। लक्ष्मण रेखा पार करेगी तो फिर रावण हरण करने के लिए खड़ा है, तो रावण को हमें मौका नहीं देना चाहिए। समाज को हर काम मर्यादा में करना चाहिए। और जिस तरह से कुछ हमारी बहनें महिलाएं लिपस्टिक और पाउडर लगा करके और मोमबत्ती ले करके और पश्चिमी सभ्यता के साथ जो है वो वहां पर पॉलिटिशियंस को गाली दे रही थी, ये ठीक वैसे ही कर रही है। ये काम जो है कि जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी हैं वो भी यही काम करते हैं कि अगर एक एक एक, एक लड़की जीन की पैंट और टी शर्ट पहन के आ रही है तो उसको पूरा हक पहनने का, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ कहीं से भी, नहीं तो उधमबाजी शुरू हो जाती है कि भाई आप कैसे रोक सकते हैं। लेकिन माहौल खराब है, लड़के जो हैं बदतमीजी पामादा हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम थोड़ी इसके लिए एहतियात भी करें तो अच्छी बात है। नागरिकता संशोधन बिल की सारी विधायी अड़चने दूर हो चुकी हैं, लेकिन अभी इस पर राजनीतिक ब्रेकर लग रहा है। संसद से बिल के पास होने और बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दस्तखत होने के बावजूद गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इसे लेकर आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। कम से कम 6 गैर बीजेपी शासित राज्यों ने संकेत दिया है कि वो इस कानून को अपने अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे। ये राज्य हैं केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का कहना है कि नागरिकता बिल धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश है, तो पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के दफ्तर ने कहा है कि बिल भारत के सेक्युलर चरित्र पर हमला है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकारों का संकेत है कि पार्टी लाइन जो होगी वही करेंगे। महाराष्ट्र के कांग्रेस कोटे के मंत्री बालासाहेब थोराट ने भी पार्टी लाइन को ही मानने की बात कही है। ममता बनर्जी तो पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि बंगाल में नागरिकता कानून लागू नहीं होगा। नागरिकता बिल को मोदी सरकार ने न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी बड़े अंतर से पास कराया है। विपक्ष की दलील है कि सरकार बहुमत के आधार पर संविधान से खिलवाड़ कर रही है। हालांकि दिलचस्प ये है कि बिल के विरोधी अपने अपने राज्यों में अपनी सरकार की ताकत के दम पर इसे रोकने को तैयार नजर आ रहे हैं, जबकि ऐसा करने का उनके पास संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि नागरिकता केंद्र का विषय है। नागरिकता बिल को संसद की मंजूरी मिलने के बावजूद बंगाल की दीदी ममता बनर्जी के तेवर बरकरार हैं। ममता बनर्जी ने 9 दिसंबर को ही ऐलान किया था
कि उनके राज्य पश्चिम बंगाल में नागरिकता का नया कानून लागू नहीं होगा। बंगाल के लोगों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं मौजूद हूँ। बंगाल में कोई एनआरसी या सीएबी नहीं लागू होगा। 9 दिसंबर को जब नागरिकता बिल लोकसभा में पेश हुआ था, तब ये ममता बनर्जी के शब्द थे। अब बंगाल की देखा देखी पंजाब और केरल के मुख्यमंत्रियों की ओर से भी कहा जा चुका है कि नागरिकता कानून पर मर्जी राज्य की चलेगी। और ये लोग रे कोई काम नहीं है, एक एक इशू बना के जो बीजेपी को सूट करते हैं, फैक्ट्री लगा के चलते हैं और लोगों को मरते हैं। ये नहीं चले, इसमें देश नहीं चलेगा। देश का काम है रोटी कपड़ा मकान, ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इतर ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമത്തിനും കേരളത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല, അത്തരമൊരു നിയമം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുകയുമില്ല। ഈ അഗർ ആപ് ഗലത് ചീ കരോഗേ തോ കൈസേ ലാഗു കരേംഗേ, ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഹേ, സിസ്റ്റം മേ ഹം രഹനാ ചാഹതേ ഹേ। ആപ് അഗർ ഗലത് ബാതേ കർതേ രഹോഗേ, ആജ് അസാം മേ ദംഗേ ഹോഗേ, കൽ കോ പഞ്ചാബ് മേ ഹോ ജായേംഗേ। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित सरकारों का भी संकेत है कि संसद से कानून पास हुआ तो क्या हुआ, नागरिकता कानून पर उनकी पार्टी की लाइन ही चलेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो स्टैंड लिया है, उसे इतर हमारा कोई स्टैंड नहीं हो सकता। वो जो स्टैंड भारत हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, वही स्टैंड हमारा भी होगा। और अब कल तो मुलाकात होगी सभी नेताओं से और चर्चा कर लेंगे। हमें तो निषेध उनका किया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है, ये तो हमने बताया है। ये तो हमने निषेध सभा भी यहाँ की थी, धरना आंदोलन भी किया था। तो हम हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने जिस बारे में कहा है वैसे हमारी पॉलिसी रही। गैर बीजेपी राज्यों की ओर से नागरिकता बिल के खिलाफ असहयोग की इस चेतावनी के बीच एनडीए शासित बिहार में भी सियासत की आग बराबर लगी हुई है। जेडीयू ने लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता बिल के समर्थन में वोट जरूर दिया है, लेकिन पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर भी नागरिकता की राजनीति में केंद्र बनाम राज्य की छोंक लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर का बयान है कि संसद में बहुमत की जीत हुई, अब न्यायपालिका से इतर भारत की आत्मा को बचाने की जिम्मेदारी 16 गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की है जिन्हें इस कानून को अमल में लाना है। संसद में हार के बावजूद नागरिकता के इस मामले पर विरोध कर रहे लोगों का ये स्टैंड देश के संघीय ढांचे की बहस को खड़ा कर सकता है। नागरिकता राज्य की नहीं होती बल्कि देश की होती है, लेकिन संसद से बना कानून मानना राज्य की मजबूरी है। अगर कोई राज्य मना करना भी चाहे तो केंद्र संविधान के आर्टिकल 256 के जरिए राज्य को निर्देश दे सकता है, लेकिन सवाल ये है कि कानून व्यवस्था को जो राज्यों का विषय है उसके बिगड़ने का अंदेशा खड़ा कर राज्य हाथ खड़ा करें तो केंद्र सरकार के सामने क्या विकल्प होंगे। अगर कोई राज्य ये कहता है कि साहब हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाएंगे, हमारे बस का नहीं होगा इसके बाद, इसलिए हम इसको लागू नहीं कर रहे, अगर वो तो जिम्मेदारी किसकी जवाब देता। अगर राज्य ऐसा कह दे कि हम कानून की व्यवस्था को नहीं संभाल सकते हैं क्योंकि हम सेंट्रल कानून को लागू नहीं कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी, उसका भी प्रावधान है। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अगर राज्य सरकार की है, सुन तो लीजिए, वो आशंका जता रही है तो क्या कहेंगे कि लगाओ इसको वरना मैं राष्ट्रपति शासन लगा दूंगा। सोचिए कल को अगर यही स्टेट कहेगी कि हम इंडिपेंडेंट होंगे और हम अलग रहेंगे हिंदुस्तान के रिपब्लिक से, क्योंकि आप एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे हैं, एक्सट्रीम पे नहीं। रोहित जी आप समझ नहीं सकते, वही करते हैं जो कानून सेंटर का कानून है जो कॉन्क्रीट लिस्ट में नहीं है उसको लागू करना राज्य का फर्ज है, और अगर वो नहीं मैनेज कर सकते हैं तो हम हेल्प करेंगे, वहाँ जैसे आर्मी जाती है हेल्प करने के लिए, हम हेल्प करेंगे। हम लोग कानून की व्यवस्था मैनेज नहीं कर पाएंगे इसलिए कानून लागू नहीं होगा। नागरिकता के बिल को संसद की मुहर के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, बस उसका नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है, यानी नागरिकता का नया कानून लागू होना बस औपचारिकता है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में संसद से पास इस बिल को चुनौती दी जा चुकी है, लेकिन कोर्ट का रुख सामने आने के पहले राजनीति की बिसात बताती है कि ये मसला अभी खत्म होने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। नागरिकता बिल को लेकर राजनीतिक खींचतान के बीच इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी नहीं थम रहा। सबसे अधिक हंगामा पश्चिम बंगाल में हुआ, मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़पें हुई। हंगामे के बीच मुर्शिदाबाद में एक एम्बुलेंस का रास्ता रोके जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। हंगामा करने वाले एम्बुलेंस को रोककर उस पर गुस्सा उतार रहे हैं।
गनीमत यह थी कि एम्बुलेंस में कोई मरीज उस समय नहीं था। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी भी नागरिकता बिल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान रणभूमि में तब्दील हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारी संसद की ओर मार्च करना चाहते थे, जिसे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इन हंगामों के अलावा कोलकाता, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलवर, सीकर जैसी जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन हुए। जमीयत उलेमाए हिंद ने नागरिकता बिल के खिलाफ रैलियां निकाली हैं। उधर बीते दो दिनों के उग्र प्रदर्शन के बाद असम में स्थिति आज संभलती हुई नजर आई। वैसे तो आंसू ने गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी ओर से ऐलान हुआ है कि अगले एक हफ्ते तक उसके समर्थक सड़कों पर नहीं उतरेंगे। असम के दूसरे हिस्सों में भी आज स्थिति सामान्य थी, बाजार भी खुले। हालांकि असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में नागरिकता बिल को लेकर तनाव बना हुआ है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार और सोमवार को होने वाला अपना मेघालय और अरुणाचल दौरा रद्द कर दिया है। दौरा रद्द करने की वजह बताई नहीं गई है। नागरिकता बिल पर पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन बांग्लादेश मूल की चर्चित लेखिका तस्लीमा नसरीन का एक बयान आया है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं की प्रताड़ना हुई है, ऐसे में भारत का नागरिकता कानून उन्हें इंसाफ दिलाएगा। इन दिस बिल एक्चुअली इज नॉट सेइंग दैट दे विल यू नो द ह्यूज पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी डिपोर्टेड और विल बी थ्रोन आउट ऑफ इंडिया। They will live here, and this bill is talking about illegal immigrants. And you know, we know that Hindus are persecuted in Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. I think they have the right to get citizenship here, much more than that Muslims, illegal immigrants. So Muslims have many, many places to go, and especially Muslims who are persecuted for their own you know, free thinking. खबरदार में आज के लिए इतना ही।